ये जो किनारे किनारे हमने दिए थे तो फर्टिलाइज़र जो दिए थे उसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और ऐसे इसका स्प्रेड कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, मेरे पास ये चार प्लांट अभी हैं, तो ये सारे टिकोमा के प्लांट्स हैं। दोस्तों ये जो प्लांट्स हैं ये इतने परमानेंट प्लांट होते हैं, पेरिनियल प्लांट होते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं। इनकी देखभाल भी बहुत ज़्यादा करनी नहीं पड़ती है। तो इसके जो फूल होते हैं सालों साल खिलते हैं, मतलब एक साल में मुश्किल से इतने 2 महीना ही बंद रहते हैं, फूल खिलना बंद हो जाता है, मतलब कि यही विंटर पीरियड में। देखिए मेरे प्लांट में अभी भी बहुत सारे फूल खिले हैं और भी कलियां आ रही हैं, ये देखिए। और ये एक अलग ही वेराइटी का टिकोमा प्लांट है। इनकी लीव्स भी स्ट्रक्चर, ये जो लीव का स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा टेक्सचर इसका भी थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर देखिए ये मरूड़िया हो गई है, यहाँ पर लीफ कल हो रही है। तो मैं इनमें आज कुछ इतने खाद देने वाली हूँ, वही आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों ये प्लांट की अभी डोरमेंसी का पीरियड चल रहा है, फिर भी कितने सारे फूल खिले हैं देखिए। और ये जब भी फूल आते हैं तो बंचेस में आते हैं और बहुत सारे फूल देते हैं, आपके गार्डन में बहुत रौनक बनाए रखते हैं। ये देखिए ये एक हाइब्रिड का येलो टिकोमा है, और जो जिसको गोरी चोरी बोलते हैं वो भी मेरे पास है। उसकी अभी फ्लावरिंग ख़त्म हो गई है, मतलब अभी थोड़े थोड़े फूल हैं उनमें, अंत में उसको भी मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए तो आज मैं इनमें थोड़ी सी लिक्विड फर्टिलाइज़र तो मैंने एक बार अप्लाई कर ली है, तो आज मैं थोड़ी सी सॉलिड फर्टिलाइज़र ऐड करने वाली हूँ। तो पहले मैं इस ये जो प्लांट हैं इनके थोड़ी सी गुड़ाई कर लेती हूँ, ये देखिए। और 2 महीने में एक बार अगर आप थोड़ी सी सॉलिड खाद दे देते हैं, सूखी खाद दे देते हैं तो बहुत अच्छा है। तो पहले आप इसकी थोड़ी सी ऐसे गुड़ाई कर लिया कीजिए। दोस्तों बीच बीच में ऐसे ही गुड़ाई कर लेना चाहिए। देखिए इसकी मिट्टी भी बहुत हार्ड हो चुकी थी, मैंने कुछ दिनों से इसकी गुड़ाई नहीं की थी, 1 महीना हो गया। तो ये देखिए अभी ऐसे गुड़ाई कर लेने से क्या होता है कि ये जो रूट्स होते हैं उनको ऑक्सीजन पहुँचता है तो उनकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाती है। तो 15 दिन में एक बार आप ज़रूर प्लांट पर गुड़ाई कर लिया कीजिएगा। मेरे सारे चारों प्लांट का गुड़ाई हो चुकी है और ये देखिए मैंने ये जड़ की तरफ मैंने मिट्टी को चढ़ा दिया है और अभी इनमें मैं वही खाद देने वाली हूँ। चलिए फिर जो खाद मैं बनाई है वही दिखा रही हूँ। ये देखिए वो खाद, ये है वर्मी कंपोस्ट और ये है नीम खली, ये सरसों की खली, ये एप्सम सॉल्ट और ये सिंगल सुपर फॉस्फेट और ये थोड़ी सी बोन मिल और यहाँ पर ली है मैंने DAP के दाने। तो इसको मैं पहले अच्छी तरह से मिला लूँगी। मेरे पास थोड़े से ज़्यादा प्लांट हैं तो इसलिए मैंने थोड़े से ज़्यादा ही बनाई है क्वांटिटी। अगर आप एक प्लांट के लिए बनाना चाहते हैं तो उनमें आप 2 चम्मच बर्मी कंपोस्ट डालिएगा, 1 चम्मच नीम खली, आधा चम्मच सरसों की खली और 8 या 10 दाने DAP के डालेंगे, आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट और आधा चम्मच 1 चम्मच आप बोन मिल डाल दीजिएगा। दोस्तों आप ये सबको नोट करके रख लीजिएगा तो अच्छा होगा। तो इसको आप अगर 2 महीने में एक बार भी डालेंगे तो भी बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद होगा।
दोस्तों ये जो खाद बनके तैयार हुआ है ये बहुत ही अच्छा मिक्स्ड फर्टिलाइज़र है, बहुत ही बढ़िया मैजिकल फर्टिलाइज़र है, क्योंकि इनमें जो इतने वर्मी कंपोस्ट दिया है मैंने, इसमें इतने भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होती है, और जो इतने नीम खरीदी है वो इतने फंगस से बचाता है प्लांट को, और भी इतने कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उनमें भरपूर मात्रा में रहते हैं, और जो इतने बोन मिल दी है तो इनके जो इतने स्टेम्स होते हैं उनको थोड़ी सी सख्त बनाती है, मतलब उनको जान देती है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ देती है, और जो सरसों की खली है उनमें इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इतने नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा इतने भरपूर रहती है, तो इतने विंटर में हम इसको अप्लाई करते हैं, प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। और एप्सम सॉल्ट जो है इनके जो पत्तों की जो ग्रीनीज है, ग्रीनरी है, ये जो पत्तों की जो ग्रीनरी है, चमक है, इनको बरकरार रखता है, और फूलों का रंग भी बहुत अच्छा रखता है। तो आप ये खाद आप ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, ये किनारे किनारे ही, गमले के किनारे किनारे हम इनमें दे देंगे, दो दो मुट्ठी इनमें से हम दे देंगे हर प्लांट में। देखिए मेरे सारे प्लांट्स भर हो गए हैं, और अभी इनको अभी 2 महीने के लिए कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप चाहें तो बीच बीच में लिक्विड खाद आप अप्लाई कर सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपके प्लांट्स इतने और भी ऐसे बहुत सारे फूल देते रहेंगे। देखिए हर प्लांट्स में कितने कलियां हैं, और ये तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इनके पत्ते देखिए, लीफ का टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए यहाँ पर ये भी गुच्छों से ही फूल आते हैं, ये देखिए बहुत ही प्यारा लगते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय जगन्नाथ।